हेलो दोस्तों, एंड मेरा नाम ऋषिकेश सिंघानिया है और मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि आपने गॉडफादर का टीजर देखा है या नहीं देखा है। तो मैंने बोला गॉडफादर का टीजर नहीं देखा है, तो सबने मैसेज किया कि सलमान खान है चिरंजीवी सर के साथ। तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि आखिर रियल में है कि ऐसा क्या है। तो आज हम उसी ट्रेलर को देखने वाले हैं और उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है इस मूवी में। और ये टीजर जो आया है, इसका ट्रेलर अभी नहीं आया है, लेकिन हम देखते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है टीजर में, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो क्या चलिए टीजर? शुरू करते हैं। बीस साल कहाँ गए पता भी नहीं चला। बस 6 साल पहले आया था वो, और अब लोगों में उसने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। चाहे कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, म्यूजिक काफ़ी अच्छा है लेकिन गाइस। वो नहीं आना और वैसे भी चाहिए। साउथ का मूवी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अब अच्छा लगने लगा है, बॉलीवुड को छोड़ के। He's the reason for every goddamn thing. Kill him! Do you know who he is? He's the boss of the bosses. Our one and only godfather. Godfather. Aye. Chiranjeevi sir, yaar. Salute. लगता है बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं। सलमान खान की आवाज गाइस। तो अभी आ जाता हूँ। वेट फॉर माय कमांड ब्रदर। ओ भाई, एक ही फ्रेंड ने गॉड फादर गाइस, गॉड फादर। ओ मेगा स्टार का बर्थडे है चिरंजीवी सर का, 10/5/2022 को आ रही है। तो म्यूजिक गाइस मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एंड फिल्म का ट्रेलर आएगा तो हम इसका भी रिव्यू करेंगे। लेकिन गाइस सलमान खान ऐसा नहीं है, लेकिन जो अभी बॉलीवुड का जो गाइस हाल है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि आखिर क्या चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, चिरंजीवी सर हैं तो मूवी बहुत अच्छा होगी। म्यूजिक मुझे काफ़ी पसंद आया। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और